नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम मंजिल में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ और लक्ष्यों को निर्धारित कर सकें। तो इसी कड़ी में आज एक सम्मान्य विषय लेकर हम आप तक पहुंचे हैं। हमारा आज का विषय है अध्यापन के क्षेत्र में रोजगार के सुअवसर। और दर्शकों, कहा भी जाता है शिक्षक जो हैं वो राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं। शिक्षक है तो ज्ञान है, शिक्षक है तो मान है, और शिक्षक है तो सम्मान भी है। तो आज इस विषय संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आवेरी जिला कांगड़ा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बतौर प्रिंसिपल ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वागत करते हैं सर आपका कार्यक्रम में। मेरा भी डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार जी। सुरेंद्र सर, जिस तरह से आप इस समय आवेरी स्कूल में बतौर प्रधानाचार्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक सम्मानीय कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से आज हमारा विषय भी है अध्यापन के क्षेत्र में रोजगार के सुअवसर, तो आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, अध्यापक यानी कि टीचिंग जो प्रोफेशन है, इसमें किस तरह से अवसर युवाओं के सामने हैं। लेकिन उससे पहले आपसे जानेंगे, बतौर प्रधानाचार्य आप किस तरह से एक शिक्षक की भूमिका को बताना चाहेंगे। प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय तक अध्यापन जो है वो बड़ा सम्मान का विषय है जी। और अध्यापन के क्षेत्र अब विस्तृत भी हो रहा है। और एक अध्यापक के रूप में मैं देखता हूँ कि हमें राष्ट्र निर्माण का सौभाग्य प्राप्त होता है जी। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हिमाचल के युवा बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली हैं और उनकी प्रतिभा का डंका जो है वो देश ही नहीं विदेश में भी गूंज रहा है। तो इस विषय के ऊपर जब हम बात करते हैं या चलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए भी ये बहुत ईमानदारी और सम्मान का विषय रहा है जी। और एक लेक्चरर इन फिजिक्स के चलते चलते मैं आज एक प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं और आगे चलकर जब वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, अलग अलग फील्ड में उनका कैरियर बनता है जी, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है जी। सुंदर जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक सम्मानीय ये व्यवसाय है, कह सकते हैं इसको एक सम्मानीय कार्य है, और आप इससे काफ़ी समय से जुड़े हैं, तो किस तरह की कुशलता या योग्यताएं एक अध्यापन के क्षेत्र में आने के लिए युवाओं में रहनी चाहिए? एक तो अध्यापन के लिए हमारे पास नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होती हैं जी, जिनको हम बोलते हैं कि उसके पास क्या डिग्री होना चाहिए और कौन कौन से विषय के साथ, वो एक अलग विषय बन जाता है। पर हम जैसे कहते हैं कि प्राइमरी, इसको हम पांच स्तर पे बात कर सकते हैं एक अध्यापक के लिए जी। तो एक तो हमारे पास प्राइमरी लेवल का है, उसके लिए हमारे पास JBT टीचर्स के रूप में कार्य करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट्री लेवल है नंबर दो, और नंबर तीन हमारे पास जो है वो सेकेंडरी लेवल है। और एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो है वो हमारे पास TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, और साथ में हमारे पास CNB टीचर जो हैं वो वहाँ पे अध्यापन का कार्य करते हैं जी। चौथे स्तर के ऊपर जो है वो हमारे पास सीनियर सेकेंडरी है, और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास लेक्चर्स जो हैं वो स्कूल लेक्चर्स वहाँ पे काम करते हैं जी। पाँचवा स्तर जो है वो हमारे पास स्कूल से निकल के कॉलेज और आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ का हो जाता है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य से शुरुआत करके रीडर और प्रोफेसर तक जो हैं वो आगे बनते हैं। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें जो हैं वो अलग चली जाती हैं। जैसे मैं आज थोड़ा सा अपने विषय से हट के एक प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें जो है वो मुझे संचालन और प्रबंधन की सारी जिम्मेवारी जो है वो रहती है जी। तो उसी का हमारे पास जो है वो कार्य निर्धारण भी रहता है जी। जिस तरह से आपने विभिन्न स्तरों की बात की, अवसरों की बात की, बहुत सारे स्तर पे आपने बताया कि एक युवा के सामने बहुत सारे विकल्प रहते हैं। अगर हम शुरुआत करें माध्यमिक प्राथमिक स्तर से, तो किस तरह से प्राथमिक अध्यापक बनने के लिए योग्यताएं रहनी चाहिए,
थोड़ा इसके बारे में बताएं। प्राथमिक स्तर के ऊपर हमारे पास जो स्टूडेंट है उसके लिए हमारे पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन के अंदर एक 10+2 के अंदर 50% मार्क्स होने जरूरी हैं, जी, और उसके बाद वो उसका अध्यापन में रुचि है तो वो 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करेगा, और उसके बाद हमारे पास जो है वो आगे चल के वो टैट करेगा। वो उसके एक ही किसी भी JVT के लिए या JVT टीचर्स के लिए एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन काउंट होती है जी। और उसके बाद बहुत से युवा जब ये सारी नेसेसरी क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास इसके लिए 2 तरह से इसकी रिक्रूटमेंट होती है। एक हमारे पास कमीशन है और दूसरा हमारे पास जो है वो बैच वाइज भर्ती भी हिमाचल में होती है। जी। तो जो बच्चे जो हैं कमीशन कर लेते हैं वो जल्दी इसे जॉब में आ जाते हैं, जो बच्चे कमीशन नहीं कर पाते वो प्राइवेट सेक्टर्स में अलग अलग एक्सपीरियंस प्राप्त करके जो है वो आगे चलकर बैच वाइज के माध्यम से जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आते हैं। जी तो JVT के लिए एक जो बात करूं कि हमारे पास 10+2 में 50% मार्क्स होने जो हैं वो ज़रूरी हैं। जी, यानी कि जो युवा हम इस समय देख रहे हैं और चाहते हैं वो एक प्राथमिक टीचर बने, उनके लिए DLED यानी कि JVT करना अनिवार्य है और 50% आपने कहा मार्क्स आपके आने अनिवार्य है। अनिवार्य है जी। तो किस तरह से वो अपनी तैयारी करें कि वो कमीशन को भी फाइट करें एक प्रोफेशनल डिग्री के बाद, किस तरह की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए युवाओं की? एक युवा को अध्यापन के लिए अगर हम चलें उसको कमीशन क्वालिफाई करना है तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास जब बच्चा एक अध्यापन में रुचि उसकी बहुत ज़रूरी है और विषय वस्तु जो उसका सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है जी। उसके बाद जब हमारे पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन बच्चा प्राप्त कर लेता है, एक स्टूडेंट्स प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए हमारे पास उसको कमीशन के लिए मैं समझता हूँ कि बुक सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रखता है जी। और साथ में हमारे पास उसका जो पोस्ट का सिलेबस है, जैसे JVT के लिए उसने क्वालिफाई करना है तो JVT के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसको अच्छे से देखे, और उसके लिए हमारे पास जो रिक्रूटमेंट के रूल्स रहते हैं उनको वो अच्छे से पढ़ के उसको अपने कार्य योजना के रूप में समयबद्ध उसको कार्य रूप दे। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हर एक जो भी बच्चा इस काम को कर लेता है जी, वो एकदम कमीशन क्वालिफाई करके जो है वो JVT के रूप में प्राइमरी स्कूल में अध्यापन के रूप में कार्य करने के लिए उसको रिक्रूटमेंट मिल जाती है। जी सुरेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक DLED यानी JVT जो अध्यापक है वो डिग्री लेने के बाद आप कमीशन फाइट करके बन सकते हैं, तो क्या पहले अगर हम इस डिग्री को ऑप्ट करना चाहते हैं इसके लिए भी कोई एंट्रेंस टेस्ट रहता है या क्या प्रक्रिया रहती है? जैसे हमारे पास DLED के लिए जो है वो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है हमारे पास हिमाचल में जी, तो वहाँ पे जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको ही पहले जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है, और बाकी जो बच्चे मेरिट्स में कम रह जाते हैं उनको हमारे पास प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं फिर वहाँ पे एडमिशन मिलती है। तो इसके लिए हमारे पास मैं चाहता हूँ कि उसकी कम्पिटेंसी या उसकी एफिशिएंसी जो है वो वहाँ से ही शुरू हो जाती है जी। तो उसके बाद DLED करना एक बात है और उसके बाद उसको TAT को क्वालिफाई करना दूसरी बात है जी। TAT के लिए क्वालिफिकेशन के लिए भी हमारे पास 60% मार्क्स मीन्स 150 का ये TAT होता है, तो उसमें से 90 मार्क्स जो है वो TAT की एलिजिबिलिटी के लिए होते हैं, पर जब कमीशन के लिए बात जाते हैं तो फिर बात मेरिट पे ही आ जाती है जी। तो मेरिट के लिए आपका जो है आपकी मेहनत जो है या आपका कह सकते हैं कि आप कैसे उसको कार्यबद्ध करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, तो कमीशन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं जी। और क्या निजी क्षेत्र से भी निजी इंस्टीट्यूशन से भी इसे किया जा सकता है, कुछ इस तरह के विकल्प भी रहते हैं? हाँ, इसके बाद क्योंकि हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एक डाइट सेंटर है जी, तो डाइट सेंटर के लिए बाद जो है वो हमारे पास निजी क्षेत्र में भी कुछ एक मान्य प्राप्त संस्थान है, तो मैं कहूँगा कि जिसको भी DLED करना है वो एक मान्यता प्राप्त संस्थान से ही DLED करे, क्योंकि इसकी जो हमारे पास लिस्ट भी समय समय अनुसार जो है वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहती है, ताकि हमारे पास कई बार जो है वो बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थान से
डिग्री नहीं कर पाते किसी भी तरह के, और बाद में जो है जब उसका वेरिफिकेशन होता है या किसी लेवल पे चेक होता है तो फिर उसमें वो डिसक्वालीफाई होते हैं। तो इसको पहले ही बच्चे को जो इस बात में अलर्ट रहना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। जी, यानी कि आप एक अलर्ट होके अपने इंस्टीट्यूशन का यानी कि अपने अध्यापन का जो आपका कॉलेज है उसका चुनाव करें और अपनी प्रतियोगिता की जो तैयारी है वो भी साथ साथ करते रहें। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अध्यापन की बात हो रही है तो एक युवा में कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए कि जो एक उन्हें अच्छा शिक्षक बनाने में सहायता प्रदान करें। एक अध्यापन के लिए हमारे पास एक शिक्षक को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है जी, और उसके साथ जो है वो आज वर्तमान समय में उसकी स्किल डेवलपमेंट जो है वो भी एक ज़रूरी विषय हो गया है। अब जब बच्चे जो हैं वो हमारे पास DL.ED या ऊपर जाके BA/BEd करते हैं तो उसमें हमारे पास इसके ऊपर जो है वो विशेष क्यूरिकुलम है, तो उसमें जो है वो हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और साथ साथ में हमारे पास जब BEd के लिए बच्चा जाता है तो साइकोलॉजी में भी बच्चे का जो है वो उसको बताया जाता है कि एक बच्चे को कैसे डील किया जाता है। और साथ साथ में हमारे पास, मैं वो कहूँगा कि एक तैयारी के साथ साथ जो है वो हमारे पास समय अनुसार अपडेट होना भी एक बहुत ज़रूरी बात बन जाती है। जी, यानी कि शिक्षा के साथ साथ आप खुद को अपडेट भी रखें और खुद को इस तरह से अपडेट रखें कि आप साइकोलॉजी को भी पढ़ें, अन्य विषयों को भी पढ़ें। हाँ, ये हमारे पास जो है वो BEd में इनको साथ साथ में पढ़ाया ही जाता है, तो उसके कारण जो है वो बच्चे को, मतलब एक अध्यापक होने के नाते उसको बच्चे के साथ कैसे डील करना है ये सारी बात जो है वो BEd में सिखाई जाती है। और किस तकनीक का, मतलब जो हमारे पास स्किल है, जो अभी लेटेस्ट हमारे पास फील्ड है, तो उसमें कैसे टेक्निक को यूज़ करना है वो भी वहाँ पे आजकल BEd में सिखाया जा रहा है। जी, आपने माध्यमिक स्तर की आप बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर की हमने बहुत विस्तार से बात की किस तरह से प्राथमिक स्तर पर हम जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अध्यापन के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें माध्यमिक स्तर पर, तो माध्यमिक स्तर की जो अध्यापक बनने की कौन कौन सी विशेषताएँ होनी चाहिए, योग्यताएँ कौन कौन सी रहनी चाहिए? माध्यमिक स्तर के ऊपर मैंने आपसे ये भी बात की कि हमारे पास दो, एक एलिमेंट्री लेवल है और एक दूसरा जो है वो हमारे पास सेकेंडरी लेवल है। एलिमेंट्री लेवल को हम जो है वो क्लास 6 to 8 देखते हैं और सेकेंडरी लेवल को क्लास 9 to 10 देखते हैं। इसमें हमारे पास दो कैटेगरी जो है वो अध्यापक की आती हैं, एक हमारे पास है TGTs होते हैं और एक इसमें हमारे पास CNB होते हैं। तो TGT के अंदर में अगर मैं बात करूं, तो TGT के अंदर कोई BA के साथ हमारे पास BEd करता है तो उसको हमारे पास जो है वो TGT आर्ट्स कहा जाता है जी। और अगर कोई BSc नॉन मेडिकल के साथ BEd करता है तो उसको TGT नॉन मेडिकल अंक आ जाता है, और अगर TGT मेडिकल के साथ BEd करता है तो उसको हम TGT मेडिकल कहते हैं जी। इसके बारे में विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं आप ही के विद्यालय की यानी कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आवेली की कुछ झलकियां, किस तरह से वहां पर अध्यापन का कार्य किया जाता है। Thank you.
भी है और 5 साल भी है। छठे नंबर पर आता है आपका यूरो। यूरो। और सातवें नंबर पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा आ गया एशिया और सबसे छोटा आ गया ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप का ये सारा एशिया महाद्वीप का भारत कहाँ पे है? तो भारत भी एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो अगर हमें लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें किसका ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल? आप बता दो मुझे किसका, किस शेप में लगा हुआ है वो? यस, तो बेलन के बर्तन का ही क्षेत्रफल चाहिए हमें, लेकिन ये पूरे बर्तन में नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ के और ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के फिर ये लेबल लगा हुआ है। मन करना चाहिए हमें कैसा करना चाहिए? तो दर्शकों, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अवेही जिला कांगड़ा की जो कक्षा का हमें इस समय जो हमें देखा किस तरह से वहाँ पर शिक्षण का कार्य किया जा रहा था, तो इससे संबंधित सर हम जानना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरह से एक अध्यापक कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही थी और बच्चे काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे, तो इस तरह की कौशल की दक्षता के लिए किस तरह के कोर्सेज रहते हैं? और TGT की आप बात भी कर रहे थे। TGT में मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास TGT एट आर्ट्स का वर्ग रहता है और एक हमारे पास TGT नॉन मेडिकल रहता है। जैसे हमारे पास अभी मैथमेटिक्स जो मैडम पढ़ा रहे थे वो TGT नॉन मेडिकल में आते हैं जी। और एक हमारे पास साइंस से रिलेटेड विषय है तो उसको TGT मेडिकल पढ़ाते हैं जी। और इसके हमारे पास जो एक हाई स्कूल लेवल के ऊपर पोस्टों का वर्गीकरण भी करते हैं तो हमारे पास 2 TGT टीचर्स जो इंग्लिश और सोशल साइंस को देखते हैं और एक हमारे पास TGT नॉन मेडिकल की पोस्ट रहती है जो हमारे पास मैथमेटिक्स विषय को डील करते हैं और साइंस विषय के लिए हमारे पास TGT मेडिकल रहते हैं। और हमारे पास C&B टीचर्स के भी हमारे पास 4 श्रेणियां हैं जी। इसमें हमारे पास पहले तो मैं कहूँगी कि LT होते हैं, लैंग्वेज टीचर जी, हिंदी टीचर हम इसको बोलते हैं ठीक है। तो ये हिंदी जो है वो पढ़ाते हैं जी। इसके लिए हमारे पास जो है वो सारी 6ठी से लेकर 10वीं कक्षाओं की तक की हिंदी सारे जो है वो लैंग्वेज टीचर देखता है। सर, जिस तरह से आपने कहा अभी कि BEd की डिग्री करनी अनिवार्य रहती है, बेसिक डिग्री रहती है, तो किस तरह से BEd कोर्स करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? क्या ये इसमें जो चुनाव होता है किसी टेस्ट के माध्यम से रहता है या फिर किस तरह से इसमें चुनाव किया जाता है? BEd करने के लिए हमारे पास एक ग्रेजुएट डिग्री ज़रूरी है और ग्रेजुएट डिग्री के बाद जो है वो हमारे पास उसमें भी 50% मार्क्स की जो है वो एक लिमिट लगी है। उसके बाद एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हिमाचल के लेवल पे होता है जी। और उसमें जो है वो फिर BEd डिग्री के कॉलेजेस जो हैं वो बच्चों को मेरिट आधार पर आवंटित किए जाते हैं। उसमें जो सरकारी क्षेत्र में है वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक कॉलेज है और दूसरा कॉलेज जो है वो धर्मशाला में स्थित है। बाकी जो कॉलेज हैं वो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस 60-70 के करीब करीब कॉलेजेस जो हैं वो सारे प्रदेश भर में हैं। तो बाकी जो है वो उनको उसी लिहाज से जो है वो कॉलेजेस उनकी मनपसंद और उनकी मेरिट के ऊपर जो है वो उनको दिए जाते हैं, तब जाके BEd का बच्चा करता है। और आजकल हमारे पास BEd जो है यहाँ पे 2 वर्षीय है और 2 साल की BEd करने के बाद जो है फिर बच्चा हमारे पास वो BA BEd या BSc BEd कहलाता है। उसके बाद उसका तीसरा स्टेप जो है वो TAT क्वालिफाई करने के ऊपर आता है जी। जो TAT भी है हमारे पास है जिसको हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलेंगे जी। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के माध्यम से साल में 2 बार जो है वो इसकी परीक्षा निर्धारित की जाती है जी। और इसके लिए हमारे पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास 60% मार्क्स है, जिसको हम बोल सकते हैं कि
90 मार्क्स जो हैं अबाउट ऑफ 150 जो हैं वो लेने अनिवार्य है। जब कोई बच्चा इसको 90 अबव मार्क्स ले लेता है तो उसको एक टैट की क्वालिफिकेशन का भी सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है, तो वो एक TGT के रूप में उसको एलिजिबल माना जाता है। जब TGT के रूप में एलिजिबल माना जाता है तो फिर वहाँ पे उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो हमारे पास नॉर्मली तो पहले तो साल में एक बार ज़रूर हमारे पास एक रिक्रूटमेंट ड्राइव आती थी, उसमें TGT के लिए भी जो है वो रिक्रूटमेंट ड्राइव रहती है, और दूसरी जो है वो उसको हम कमीशन बोल देते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास बैच वाइज रिक्रूटमेंट रहती है। तो दो तरह से जो हमारे टीचर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में सेलेक्ट करने के आते हैं, और बाकी जो टीचर क्वालिफाइड टीचर हैं वो हमारे पास अदर्स जैसे मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान हिमाचल में आज के समय में बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें जो है वो अध्यापन का कार्य करते हैं और वहाँ से स्किल डेवलपमेंट भी सीखते हैं। और मैं कहूँगा कि जो हमारे पास प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं वो भी हमारे युवा प्रतिभा को जो है वो मौका देते हैं। मैं उसे भी अच्छा एक शिक्षण अनुभव मानूंगा, क्योंकि वहाँ से भी वो उसको काफ़ी सीख के आते हैं। जी सर, आपने बात की कमीशन की, तो जिस तरह से कमीशन में हर बच्चा उसे क्वालिफाई नहीं कर पाता है, पहले तो ये बात आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से बच्चे जो हैं वो कमीशन की तैयारी करें, कौन सी किताबें वो पढ़ें या किस तरह की स्ट्रेटेजी को वो अपनाएं। जहाँ तक हमारे पास एक एलिजिबिलिटी योग्यता की बात आती है तो उसमें तो पहले तो बात आ गई कि एक BA या BSc BEd कर लिया, उसके बाद टेट कर लिया, तो वो उसके लिए एक योग्यता जो है वो स्टैंड अप होगी, खड़ी होगी, मतलब उसने अर्जित कर ली जी। और उसके बाद जब आती है हमारे पास रिक्रूटमेंट के ऊपर तो कमीशन के अंदर अपॉइंटमेंट करने के लिए पहली बात तो है, फिर वहाँ पे चलूँगा मैं, एक बात है कि जब हमारे पास शुरुआती दौर में जब उसकी अध्यापन रुचि कैसी रही, उसकी विषय की जो सिलेक्शन थी वो कैसी रही, उसके बाद हमारे पास आता है कि उसने जब सेकंड फेज था उसका, उसने जो है वो बुक सिलेक्शन कैसे की जी। बुक सिलेक्शन के बाद जैसे हम कमीशन के लिए तैयारी करते हैं तो हम उसमें ये भी देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस जो है वो वहाँ पे निर्धारित है, उसको जो है बच्चा जो है वो पूरी तरह अच्छे से उसको उसका आंकलन करे, क्योंकि जो विषय वस्तु रहती है वो सिलेबस के अंदर से ही रहती है, और बड़े ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं पर वो विषय के ऊपर नहीं जा पाते कई बार, तो वो भी हमारे पास कमीशन के अंदर रह जाते हैं जी। तो विषय वस्तु और हमारे पास विषय के साथ साथ जो है वो हमारे पास जो उसके रूल एंड रेगुलेशंस हैं R&P बोल देंगे हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। अगर बहुत सारी चीज़ें अगर एक विद्यार्थी कर लेता है या युवा अर्जित कर लेता है तो उसके बाद मैं बोलूँगा कि उसको समयबद्ध अपनी कार्य योजना को कैसे रूप देता है, वो अपनी पढ़ाई को कितने किस तरीके से उसको जो है वो एग्ज़ाम के नज़दीक अच्छे से ले जाता है, वो भी एक बड़ा विषय रहता है जी। यानी कि जो युवा इस समय हमें देख रहे हैं वो अपनी योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करें, अपनी पुस्तकों का अच्छे से चयन करें, एक निर्धारित होकर अपना समय दें, खुद को अपनी शिक्षा को समय दें। अंतिम प्रश्न, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण पर हैं, सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो युवा हम इस समय देख रहे हैं अध्यापन की ओर वो बढ़ना चाहते हैं, अगर उनके पास सरकारी विकल्प नहीं है तो अन्य विकल्प आप किस तरह से उन्हें दो पंक्तियों में उन्हें उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास अगर सरकारी क्षेत्र से बाहर भी हमारे पास निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर भी अफसरों की भरमार है जी, ठीक है, ये युवा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेता है, पर आज के समय में यही नहीं हमारे हिमाचल में ही नहीं, हमारे पास देश और विदेश में भी हमारे अध्यापकों की बहुत डिमांड रह रही है जी। और हमारे पास गल्फ कंट्रीज़ के अंदर और अमेरिका में के अंदर अभी तक जो है वो हमारे पास रेगुलर हिंदी टीचर की जो है वो डिमांड आ रही है जी। यानी कि सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में बहुत से जो अवसर हैं युवाओं के सामने हैं, ऑनलाइन टीचिंग भी आप कर सकते हैं,
सर आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आज कार्यक्रम में जानकारी आपने ली किस तरह से आप अध्यापन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, और इस जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद थे श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अवेही बैजनाथ कांगड़ा से आए थे। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही, आप सभी को आपके भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। कार्यक्रम में आज बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।